जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जीवन में संतुलन के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए हनुमान जी की शरणागति बहुत आवश्यक है। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके गति है हनुमान की, यानी जो हनुमान जी की शरण में है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ असंभव नहीं रह जाता, उसे सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आज एक विशेष हम प्रयोग की बात करेंगे, और ये प्रयोग जो पिछला आपने वीडियो देखा है जिसमें हमने चर्चा की थी कि एक महामंत्र की कि ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रयोग है। ये आप करेंगे तो आपके जीवन में निरंतर उन्नति होगी, अन्य जो समस्याएं हैं वे भी दूर हो जाएंगी। दरअसल एक साधक हैं मेरठ में, आदरणीय शिवनंदन शर्मा जी। इस महामंत्र को सुनने के बाद उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि ये चमत्कारिक महामंत्र है, और उनके गुरुजी ने भी उन्हें बताया था, और जिस किसी ने भी जपा इस मंत्र को वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया, उसकी झोली भर गई, उसको मनोइच्छित की प्राप्ति हुई। और हनुमान जी की शरणागति होने के बाद हम तो अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि जीवन में सब सुगम होने लगता है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, तमाम तरह की परेशानियां हो, ग्रह बाधाएं हो, ग्रह दोष हो, कामना बन रहा हो, हनुमान जी का जो अनुग्रह अगर प्राप्त हो जाए तो सब सुगम हो जाता है, सब आसान हो जाता है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, इसके ठीक पहले वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने चर्चा की है एक महामंत्र की कि किस प्रकार से आप अनुष्ठान करें और कैसे ये सिद्ध हो जाएगा, और साथ ही कुछ प्रश्न इससे जुड़े आए हुए हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और जो मेरठ के आदरणीय साधक हैं उन्होंने कहा कि एक और मैं दिव्य प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये भक्तों के साथ साझा किया जाए, और इस दिव्य प्रयोग से निश्चित ही और कार्य सिद्धि होगी, बहुत सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। तो जब आप इस महामंत्र को जप लें, यानी 11,000 या 21,000, 31,000 जितना आप चाहें, 21,000 जपें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जो शब्द हैं उन्हीं साधक के हैं, उन्होंने कहा है कि 21,000 अगर जपा जाए तो ये अनुभव में देखा गया है कि तुरंत कार्य सिद्धि हो जाती है। तो जब आप इसको जप लें उसके बाद का एक प्रयोग हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने एक आपको ग्लास में जल लेना है, इसमें स्टील के ग्लास में इसमें जल लीजिए, और जल थोड़ा खाली हो, यानी पौन गिलास जिसको जल कहते हैं वो ले लीजिए, और इस महामंत्र को जपते हुए कहते हुए इस प्रयोग को करना है। करना आपको स्टील के ग्लास में है, लेकिन स्टील के ग्लास में चूँकि जल आपको दिखाई नहीं देगा, दृश्य नहीं होगा, इसलिए हम अभी आपको दिखाने के लिए एक शीशे का ग्लास भी हमने साथ में रखा है, लेकिन आपको करना है स्टील के ग्लास में। ध्यान रखिएगा, शीशे के ग्लास का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको देख सकें जल में। और उसके बाद इस मंत्र को जपने के बाद, जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए और इस मंत्र के निरंतर आप जप में लगे हुए हैं, जब भी मौका मिले, जैसा कि मैंने कहा कि पहले मैं इसको लगातार जपता था, लेकिन समय समय पे कुछ अन्य मंत्रों का भी जप करता हूँ, लेकिन इस मंत्र को 3 बार मैं ज़रूर आज भी जपता हूँ अपने पूजा में। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। एक बार फिर से हम इसका अर्थ भी स्पष्ट कर दें कि मैं भगवान माता अंजनी के पुत्र महाबलशाली को प्रणाम करता हूँ। इसको अगर उच्चारण के साथ अगर इसको आप सही तरीके से इसका अर्थ जानते हुए करेंगे तो आपको ज़रूर शुभ फलों की प्राप्ति होगी कि महाबलशाली हनुमान जी जो कि माता अंजनी के पुत्र हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये मंत्र है, और उसके बाद आपको जल लेना है एक ग्लास में, और उसके बाद कोई चाकू रखना है, और उस चाकू से उस मंत्र को बोलते हुए पानी को काटना है, घुमाना नहीं है, उसमें गोल गोल घुमाना नहीं है, आपको उसको काटना है। और काटना कैसे है, 10 दिशाओं में, 4 दिशाएं तो स्पष्ट हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और चारों जो कोण हैं वो इस तरह से 8 हो गए, और एक ऊपर और एक नीचे, एक आकाश और एक पाताल,
तो इस तरह से 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से कहते हुए आपको करना है, सबसे पहले ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा, 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 ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा। गोल गोल घुमाना नहीं है, काटना है पानी को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। 5 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक ये आपको करना है। तो ये जल इस तरह से अभिमंत्रित हो जाएगा, ये सिद्ध जल हो जाएगा। इसको आप घर के सदस्यों को पंचामृत के तौर पे दे सकते हैं, आप खुद भी इसका पान कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बाधा हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, और ख़ास करके जो निगेटिविटी से परेशान हैं, जो लोग किसी भी तंत्र बाधा या बताते हैं कि इस तरह की हवा से, ऊपरी हवा से और तमाम इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जिसको हम कहते हैं, उससे परेशान हैं, तो इस जल का पान करेंगे वो तो उनको शीघ्र फल मिलेगा। और आदरणीय साधक, उन्होंने कहा कि जो कोई भी उनके घर पे आता है, इसी अभिमंत्रित जल को वे एक चम्मच देते हैं ग्रहण करने के लिए। कितना भी आपका सरदर्द पकड़े हुए हो, मानसिक अवसाद में हो, चिंता आपको घेरे हुए है चारों तरफ से, कोई रास्ता न सूझ रहा हो, निराशा घर कर गई हो मन में, ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं, तो आप इस जल को अभिमंत्रित करके रखिए, इसको पीजिए, अपने घर वालों को पिलाइए, प्रसाद स्वरूप आप दीजिए जो भी आपके घर में आते हैं। आप तुरंत देखेंगे इसका बहुत शीघ्र जादुई प्रभाव इसका देखेंगे, इतनी शक्ति है इस महामंत्र में। ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करते हुए स्टील के ग्लास में पानी ले लीजिए और दसों दिशाओं में, यानी कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से चाकू आपको पानी में चलाना है, काटना है, और जो चार कोने हो गए, एक नीचे और एक बार ऊपर, और ऐसा 5 मिनट तक आप कीजिए, तो ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, उनका ये कहना है। और उन्होंने इस प्रयोग को किया है, निरंतर करते हैं। उन्होंने तो कहा कि मैं जब उनसे मिलने गया था तो उन्होंने भी जो जल ग्रहण कराया था, ये वही जल था। तो इस तरह से आप कीजिए, हनुमान जी की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त होगी। और ये महामंत्र है, आप जप के देखिए, किसी प्रकार की परेशानी हो, सब में ये काम करेगा। और दूसरी बात, कुछ आप लोगों ने जिज्ञासाएं प्रकट की, चूँकि हमने कहा था कि किसी भी मंत्र को जप करने के बाद उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश उसका मार्जन होना चाहिए। लोगों ने लिखा कि हम लोग कहीं बाहर रहते हैं, किसी कारण से अगर हम ये हवन, तर्पण, मार्जन नहीं कर सकें, या हमें पता नहीं है, कई बार पंडित जी नहीं मिलते, तो हम लोग क्या करें, तो कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमने पूरी विधि आपको बताई, लेकिन आप मंत्र जप भी करते रहेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे प्रत्येक दिन इस मंत्र को जप करने के बाद, कि ना तो मैं आवाहन जानता हूँ, ना आपका विसर्जन जानता हूँ, ना पूजा की विधि जानता हूँ, ना यंत्र जानता हूँ, ना तंत्र जानता हूँ, ना मंत्र जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी शरणागति जानता हूँ, सब छोड़कर मैं सिर्फ आपकी शरण में हूँ हनुमान जी, बस इतना कहने की आवश्यकता है। इसी से प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी। मंत्र तो बहुत दूर की बात है, ये तो महामंत्र है, इस मंत्र को आप जप लें तो ये तो अहोभाग्य, ये तो सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं भी होता है, अगर कोई शरणागत हो जाए, सिर्फ उनके चरणों में लौट जाए, तन मन वचन से, अपने कर्म से अगर समर्पित कर दे सब कुछ, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजांश्चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरः, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रीश्वरः, यत् पुष्टं मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। मैंने जो कुछ भी आपको पूजा किया है, उसमें लेश मात्र भी अगर कहीं भक्ति दिखाई देती है, तो हनुमान जी आप प्रसन्न हो जाइए। लेश मात्र भी अगर कहीं भी किंचित भी भक्ति का एक अंश भी आपको नजर आता है मेरे भाव में, आप उसी से प्रसन्न हो जाए हनुमान जी। ये आप भाव रखते हुए हनुमान जी की शरण में जाइए, और हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो रास्ते प्रशस्त होने लगते हैं, कई तरह के मार्ग आपको मिलने लगते हैं, पूजा पद्धतियाँ आपको दिखने लगती हैं, उन रास्तों पे आप चल पड़ते हैं जिससे कि कल्याण निश्चित ही है। परम दयालु हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका को आप पढ़िए तो उसमें आप देखेंगे कि हनुमान जी और भगवान शिव, जिनके अवतार हैं हनुमान जी, उनकी प्रशंसा में एक तरह से चरण पकड़ लिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने,
कि उनके बगैर तो जीवन की नैया पार हो ही नहीं सकती। किसी भी प्रकार के भुलावे में इधर उधर की बातों को छोड़िए और हनुमान जी की शरणागति हो जाइए, उनके शरण में चले जाइए, सब पूर्ण हो जाएगा। जय सियाराम।